आखिरकार पुलिस को जिसकी तलाश थी ऐसे गैंग लीडर शातिर वसीम चिरिया पकड़ा गया। शहर के कुख्यात बदमाश शेख वसीम उर्फ चिरपा शेख अफजल 35 निवासी शांतिनगर घाट के पास तहसील पुलिस ने उसे धर दबोचा और आगे की तफ्तीश जारी है। आरोपी चिरिया से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। चिरिया और उसकी गैंग ने 15 मार्च को रात करीब 10 बजे बंगाली पंजाब में पीली कॉरपोरेशन स्कूल के पास फायरिंग कर वाहनों की तोड़फोड़ की थी। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। चिरिया अकोला और अमरावती में छिपता फिर रहा था। उसकी तलाश में जब पुलिस के दस्ते अकोला और अमरावती पहुंचे तो वहां भागकर नागपुर आ गया। आपको याद होगा कि दिनांक 15 तारीख को रात को जो तहसील पीएस अंतर्गत जो पीली स्कूल है बंगाली पंजाब में, वो जो वारदात हुई थी जिसमें शहर का कुख्यात क्रिमिनल चिरिया शेख वसीम और इनकी गैंग मोहसिन दानिश सानू फैजल, इन्होंने जो वारदात किया, फायर आर्म से फायरिंग किया और जो दहशत फैलाई थी, और उस वक्त से वो घटनास्थल से भाग गया था। पुलिस स्टेशन तहसील में इसके बारे में अपराध नंबर 137/2020 कलम 307 के मुताबिक और आर्म एक्ट 325 के मुताबिक गुंडा रजिस्टर हुआ था। मगर जो मुख्य आरोपी था चिरिया उर्फ शेख वसीम, जिसके ऊपर संपूर्ण शहर में हर पुलिस स्टेशन पे हत्या का प्रयत्न, खंडनी, गंभीर दुखापत, ऐसे करीब 30-35 गुंडे दाखिल है, वो भग जाने से काफ़ी जनता के प्रति रोष था। इस प्रकरण में जैसा ही हमने पदभार संभाला, माननीय पुलिस आयुक्त ने हमें स्पष्ट क्लियर डायरेक्शन दिए थे, उस मुताबिक जो हमारे सोर्स है, जो हमारे इन्फॉर्मर है, इसके मुताबिक हमने अलग अलग पथक बनाए थे, अलग अलग स्क्वाड बनाए थे। हमारे स्क्वाड अमरावती, अकोला, चांदूर बाजार और शहर भी जो भी क्रिमिनल एरिया वहाँ सर्च कर रही थी। कल हमें इंफॉर्मेशन मिली और वो इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर थी, एकदम सच थी, इसलिए हमारे पथक के PSI स्वप्निल वाघ, समीर और उनके जो पूरा स्टाफ है, हमने उनको रेड करने को बताया और शेख वसीम को हम रंगे हाथ पकड़े। और जब उसको हमने पकड़े, उसके साथ पिस्तौल थी और लाइव कारतूस थे, उसमें 2 राउंड हमको मिले हैं। हमारे पथक ने थोड़ा भी टाइम वेस्ट न करते उनको दबोचा, नहीं तो और एक दुर्घटना होने की शक्यता थी। मगर हमारा जो पथक था वेल इंस्ट्रक्टेड था, उनको हमने गाइड किए थे, फुल तैयारी में थे, इसलिए उसको हथियार के साथ पकड़ा गया है। और इस गुंडे में अभी तक 8 आरोपी को हमने पकड़ा है, सानू, फैजल अहमद, इस प्रकार अभी और जो कुछ 4-5 आरोपी बाकी है, मुझे आशा है कि हम 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। आपके माध्यम से मैं यहाँ के क्रिमिनल को एक मैसेज देता हूँ कि नागपुर बहुत शांत एरिया है, लोगों को अच्छे रहने दीजिए, कोई क्रिमिनोलॉजी का कोई फायदा नहीं रहेगा, हम उसके ऊपर इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। चिरिया मोमिनपुरा स्थित डोबी नगर में एक रिश्तेदार के घर में छिपे होने की गुप्त सूचना मिलने पर तहसील पुलिस ने उसे धर दबोचा। चिरिया शातिर तरीके से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। तहसील थाने की जिम्मेदारी संभालने के बाद वरिष्ठ थानेदार जयेश भंडारकर के सामने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने आरोपी चिरिया को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।